गाइस यहाँ पे हम लोग आए हैं करवा चौथ का करवा लेने के लिए, और करवा लेने के लिए यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है। और यहाँ मेहंदी लग रहा है अब करवा चौथ के लिए। और ये रही हमारी प्रीति दी, तैयारी हो रही है। मेहंदी कैसा लगा, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी को पता नहीं, बाकी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसा लगा मेरा मेहंदी। अच्छा मेहंदी लग रहा है इनका, कुछ बोलना चाहेंगी आप दी? हाँ, कि कौन सा हाथ में ज़्यादा अच्छा है, इसमें या इसमें, ऑडियंस से पूछना चाहेंगे। सब्सक्राइब करिए, अगर मेहंदी का डिज़ाइन यूज टू लगा दे स्क्रीन शॉट ले के आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ना, डिज़ाइन का मेहंदी का। तो इस तरह से मेरा काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा है, हाँ, और हम काफ़ी पेशेंस से मेहंदी लगा रहे हैं बैठ बैठ के। और अब बस मेरा कम्प्लीट होने वाला है, एक साइड बचा हुआ है। तो फाइनली मेरा थ्रेडिंग भी हो गया था, पार्लर आए थे, बस क्लीन अप बचा हुआ जो कि हम घर पे जाके करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी 6:30 हो गया, घर पे खाना वगैरह भी बनाना है। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर। फाइनली मेहंदी कंप्लीट, तो गाइस यहाँ पे हम घर आ गए हैं और घर पे कर रहे हैं क्लीन अप, क्योंकि टाइम नहीं था, 7 बज गया था, 6:30, तो हम लोग घर पे ही क्लीन अप का सामान लेकर आ गए थे। तो आप लोग भी इस तरह से घर पे क्लीन अप कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट से मैं बता रही हूँ। और ये देखिए, ये प्रोडक्ट है VLCC का गोल्ड क्रीम ब्लीच, जिससे कि ब्लीच घर पे ही कर सकते हैं आप, घर पे मंगा के कहीं भी मार्केट शॉप में मिलता है नेचुरल का गोल्ड क्रीम ब्लीच। तो गाइस यहाँ पे मैं ब्लीच खुद से कर ली हूँ और चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम अपने घर पे जो प्रोडक्ट है उसी से कर रहे हैं। फाइनली हमको ब्लीच के चक्कर में, क्लीन अप के चक्कर में मेहंदी भी उतारना पड़ा। तो यहाँ पे हम जो भी घर का प्रोडक्ट है उससे हम अपने फेशियल नहीं समझ सकते, फेशियल कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं। तो ये है गाइस, हम फ्लोका का स्क्रब कर रहे हैं और एलोवेरा जेल। यहाँ पे हम गोल्ड ब्लीच, उसके बाद फ्लोका का मेरे पास था घर पे रखा हुआ, तो फ्लोका ये कंपनी का है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं स्क्रब एंड एलोवेरा जेल से मसाज। तो यहाँ पे हम खुद से ही करेंगे घर पे क्लीन अप। और गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो हम हैं अभी शॉवर लेकर आए हैं और आज है करवा चौथ। सो आप लोग को हैप्पी करवा चौथ मेरे तरफ से। करवा चौथ की जितने भी मेरे यूट्यूबर व्यूवर्स हैं सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड हम आज मेरा पूजा है, व्रत है, तो आज हम ब्लॉगिंग करेंगे करवा चौथ स्पेशल। सो फाइनली मेरा मेहंदी लग चुका है, मेहंदी का भी स्किप हम लगाने का शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मैं मार्केट जाके लगाई थी और फाइनली मेरा मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा सा आया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं प्रिपरेशन करने, नेल पेंट वगैरह करने। तो आज हम फैमिली ब्लॉगिंग करने वाले हैं आप लोग के साथ शेयर करवा चौथ स्पेशल। सो अभी जस्ट हम लोग सावन लेके आए हैं और आज हम सोच रहे हैं थोड़ा एक बगल की आंटी है उनसे तैयार हूँ, तो देखते हैं अगर वो आ जाती हैं तो आज कुछ स्पेशल हम करने वाले हैं। नीट साड़ी एंड मेरा सारा कपड़ा वगैरह निकल गया है जो अभी अभी फिलहाल एक तो सोने से लेकर आने वाले हैं, क्योंकि टेलर से अभी आया नहीं, कल हम लोग भूल ही गए लाने के लिए, कल ब्लाउज ही नहीं लेकर आए, आज दिए हैं रसीद तो लेकर आएंगे। तो फाइनली हम एक कपड़ा लहंगा निकाल के रखे हैं और एक कपड़ा जो मेरा शाम पूजा का है वो सोनू जी को दिए हुए, चूड़ा भी नहीं लेकर आया उस दिन, चूड़ा भी कल गया भूल गया, तो चूड़ा भी बोले देखते क्या क्या लेकर आते हैं आज। तो एक होता है पूरा पूजा में ना, ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ, तो उसमें कुछ टूट जाता है। तो इस तरह से मेरा चल रहा है और अभी सोनू जी जस्ट मार्केट गए हैं, तो अपना जिम से उधर होते हुए लेके आएंगे। तो हम चलते हैं अब किचन में, क्योंकि किचन में काम पड़ा हुआ है पूजा का, हम लोग यहाँ बनता है पास में। आज करवा चौथ में खीर पूरी एंड गुलगुला जो आटा चीनी मिलाकर पानी में फूलने के लिए डाला जाता है, तो हम अभी ये फूलने के लिए डाल देंगे। तो फाइनली आज हम कुछ स्पेशल अपने रूम में बेडशीट भी लगाए हैं, सो देख सकते हैं, और पूरा मेरा
करती है, बस पूजा करना है, थोड़ा बहुत अपटन बनाना है। वो इसमें जस्ट अभी हम पैकिंग खोल के और मंगाए हैं अमेजोन से, और इसका प्राइस और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से है ये बेडशीट, काफ़ी प्यारा लगा मेरे को। आज रेड रेड सब कुछ पहनना जाता है रेड, तो मैं सोची बेडशीट भी रेड लगा दूँ। तो ये देख सकते हैं, पति पत्नी ही बोल सकते हैं या कपल बोल सकते हैं, कितना अच्छा गुलाब का फूल वगैरह लगा कर इस तरह से बेडशीट आज हम अपने रूम को सेट कर लिए हैं। सो फाइनली गाइस इस तरह से मेरा चल रहा है। और ये अगर आप लोग को ये वाले बेडशीट चाहिए तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि हम ये अमेजोन से मंगाए हैं। तो फाइनली गाइस इस तरह से मेरा चल रहा है पूजा की तैयारी, और हम अभी जस्ट बाल धो के नहा वा लिए हैं। मेहंदी वगैरह भी छुड़ाने के बाद जस्ट कलर आ गया है अच्छा, शाम तक और भी अच्छा आ जाएगा। तो चलते हैं, हम आ गए किचन में क्योंकि पूजा है, तो पूजा में काम भी रहता है बहुत सारा, किचन का भी काम रहता है, पूजा का व्रत का अलग तैयारी रहता है। तो यहाँ पर हम दूध उबालने के लिए रख दिए हैं, तो ये थोड़ा सा फल जाएगा, उसके बाद उबल जाएगा तो हम खीर बनाएंगे। और यहाँ पे मेरा आटा हल्का गूंथ के रखे हुए हैं अभी पूरा, मतलब उसको मिक्सअप नहीं किए क्यों, क्योंकि ज़्यादा आटा था तो इसलिए हम इसको ना पानी में हल्का मिला के रख दिए हैं। अगर आप लोग के पास आप लोग कभी भी ज़्यादा आटा हो ना, तो उसको क्या करें ना कि हल्का मतलब पानी डालकर हल्का मिलाकर आटा को ढक के छोड़ देने से फूल जाता है आटा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा टिप्स है। तो अब हम चलते हैं, गैस को कर देते हैं कम, और उधर मेरे हम लोग के यहाँ आज व्रत में गुलगुला बनता है, तो हम सारे गुलगुला की प्रिपरेशन कर ले रहे हैं। और ये सब पूजा का बर्तन है, तो सब किचन आज मैं पूरा साफ कर ली थी, और पूजा का सारा बर्तन निकाल कर जस्ट अब हम तैयार कर रहे हैं। तो रहिए आगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा चाल के रखेंगे। तो यहाँ पर हम छत पे जाने के लिए खाली रेडी कर दिए हैं, इस तरह इसमें रख के छोड़ देते हैं ना, ऐसे रखते हैं छोटा वाला दिया, जब कलश बनाएंगे अपन लगाएंगे तो ना पूजा करने टाइम ना। फाइनली गाइस मेरा हो गया है पूजा का, फाइनली सारा तैयारी रेडी।
बस तैयार होना है। अभी जस्ट खाना बना लेते हैं, पूरी खीर गुलगुला वगैरह प्रसाद के लिए। तो हम लोग में इस तरह से करवा भगवान का पूजा किया जाता है करवा चौथ। 5 बजे शाम को हम पूजा करेंगे, पहले मिष्ठान कुछ बना लेंगे, पूरी खीर वगैरह, उसके बाद यहाँ पे भोग लगाएंगे। तो 2 थाली में हम पहले निकाल के रख दिए कि एक होता है ना फ्री हो जाता है, आप पूजा का सारा प्रिपरेशन कर ले तो लोग फ्री हो जाते हैं। तो फाइनली मेरा सब चीज़ तैयारी हो चुका है, अब हम चलते हैं प्रसाद बनाने, उसके बाद पूजा करेंगे तैयार होकर। तो मेरा मेहंदी के कलर बिल्कुल आ चुका है, यहाँ पर मेरा खीर बन रहा है, तब तक हम तो गुलगुला छान लेते हैं क्योंकि प्रसाद के लिए हम लोग में बनता है। तो इस तरह से आटा चीनी मिलाकर घोल के रख दिए थे और इसको गोल गोल कढ़ाई में इस तरीके से पुआ जैसे छनता है वैसे छान लेते हैं। और ये यही प्रसाद होता है करवा में, हम लोग में यही भराता है। तो हम यहाँ पे अपना तैयारी में लगे हुए हैं, पूजा के साथ साथ ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। और अभी घर में हम ही हैं तो प्रसाद वगैरह भी हम ही को बनाना है और पूरा पूजा का तैयारी भी करना है। तो उधर हम सारा गुलगुला होते हैं और इधर तब तक मेरा खीर रेडी है। प्रसाद इसमें से अलग निकाल के रख देंगे ताकि आप इधर से कोई भी खाना वगैरह खाए तो प्रसाद को जूठा नहीं करे, इसलिए प्रसाद को निकाल के हम लोग पहले ही भोग लगाने के लिए रख देते हैं। 8-10 पूड़ी रख कर और ये गुलगुला जो बना हुआ है बस जाके बस रख देना है और जाए तैयार होने के लिए। तो इस तरह से मेरा सारा प्रसाद रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं प्रसाद को रखने के लिए। यहाँ रख के और ढक देंगे इसी बर्तन से। तो यहाँ पे गाइस मेरा सब चीज़ रेडी हो गया, अब हम जा रहे हैं खुद को रेडी करने, क्योंकि तो सब चीज़ रेडी हो जाने के बाद और यहाँ लाइट वगैरह लगा के हम बिल्कुल सजा दें। बहुत ही अच्छा सुहावन सा दिन लग रहा है, टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया। पूरे दिन हम इस तरह से सब तैयारी वगैरह किए, इधर हम अपने पहनने के लिए पायल वगैरह रख लिए हैं, सुहागन का मम्मी को देने के लिए फूल वगैरह सारा चीज़ रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा फाइनली हो गया काम, और जब तक काम कर रहा था आज ऐसा दिन है ना कि सुबह से कोई ना कोई ऑनलाइन वाला आ रहा है, कभी पूछते थे कभी इनका सामान कभी मेरा सामान, और पता नहीं है ये सामान ऑनलाइन वाला घर किचन में गैस बंद बंद कर करके बार बार जाना पड़ रहा मेरे को। देखते हैं क्या आया है ऑनलाइन सामान में। मैम शायद सोफा का कवर वगैरह मंगाए थे, एक तो बेड शीट लगाए हैं जो कि अभी आया था, जो कि बहुत ही प्यारा लगा मेरे को, बहुत ही पसंद आया। तो अगर आप लोग को भी पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। तब तक हम और टाइम अभी 4 बज रहा है आप देख सकते हैं, तो अब जाएंगे तैयार होने। तब तक ये पैकिंग देख लें अभी डिलीवरी आया है क्या है इसमें। बेड शीट आया है कॉटन का, जो कि सोफा के मतलब सिंगल बेड के लिए मंगाए थे, इस तरह का है ये बेड शीट। और ये दिवाली के पर्पज से मंगाए थे तो काफ़ी अच्छा है, और इसका प्राइस 300 समथिंग में आया है ये ऑनलाइन। तो ये एक है जो कि वहाँ पे इस कलर का बेड शीट, क्योंकि मेरा ब्राउन कलर का सोफा है इस वजह से, तो इसको रखते हैं। अब सेकंड देखते हैं क्या है। बहुत सारा काम बढ़ जाता है उसी में, पानी भी नहीं पिए, पूरा निर्जला पड़ा था, रात में चांद देखने के बाद ही पीते हैं, तो इस वजह से वेट कर रहे हैं। और पानी का साथ वगैरह तो बन गया है और ये भी आज
दिवाली के लिए कवर भी ऑर्डर किए हैं, तो आप लोग भी इस तरह से अगर घर बैठे हैं तो 500 650 में ये दोनों चीज़ आया है, 300 ऑर्डर प्राइस ले जाएंगे तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक हम डाल देंगे। प्योर कॉटन के कलर मैंने जो ऐसा मंगाया था वही आया था, लेकिन क्वालिटी सेम है। तो फिर ये ऑनलाइन सामान आ गया था, मैं बात करते करते आप लोगों के साथ इसकी शेयर भी करती। आर्टिस्ट है तो उनको बुलाया था, इसलिए आंटी आ रही है तो उसको मैं तैयार होती हूँ, आज आप तैयार कर दीजिएगा। मैं थोड़ा अलग होना वगैरह मेरे को अलग तरीके से नहीं आता, तो बुलाया था कि थोड़ा वगैरह बना दूँगी, तो उनका वेट कर रहे जैसे वो आ जाती तो हम तैयार में लग जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी तैयारी हो रही है और यहाँ पर हम सारे फिर साड़ी वगैरह निकाल के, और आज हम ये रेड साड़ी पहनने वाले हैं, रेड साड़ी पहनने वाले हैं और रात में भी लहंगा पहनेंगे। तो इस तरह से मेरा तैयारी चल रहा है और इधर मेकअप का सारा